सो बच्चों, हमने देखा एक्स लिंक जीन्स और एक्स लिंक डिसऑर्डर्स। सो एक्स लिंक जीन्स क्या होते हैं उसे हम पहले पढ़ लेते हैं। द एक्स लिंक जीन्स आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। तो आप लोगों को पता है नॉन होमोलॉगस रीजन इज द रीजन जहाँ पे जेंडर डिटर्मिनेशन वाले जीन्स होते हैं। कौन से जीन्स होते हैं गाइज? जेंडर डिटर्मिनेशन। So X-linked genes are located on non-homologous region of X chromosome and these do not have corresponding alleles on Y chromosome. ऐसे genes जिसके corresponding alleles बिल्कुल इसकी ही characters के तरह दूसरे वाले alleles Y chromosome के non-homologous region पे नहीं रहते। Suppose this is a Y chromosome, this is the X chromosome guys, और ये दोनों है non-homologous region. Non-homologous region of X chromosome, non-homologous region of Y chromosome. Generally क्या होता है ना बच्चों, ये homologous region का मतलब ही होता है Y chromosome, X chromosome. Why? इसपे similar kind of genes होते हैं, same body characters के लिए, male body characters, female body characters, पर characters same होते हैं, मतलब height है तो height के लिए इस तरह से। पर ऐसा नहीं होता, यहाँ के जीन्स एब्सोल्युटली डिफरेंट रहते हैं। वाई क्रोमोसोम के जीन्स जो नॉन होमोलॉगस रीजन पे है वो एब्सोल्युटली डिफरेंट, एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन्स रहते हैं वो एब्सोल्युटली डिफरेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं बच्चों, आगे जाएंगे। फीमेल हैज टू एक्स क्रोमोसोम, मानते हो कि फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। इनमें फीमेल टू recessive sex-linked genes are required for expression of sex-linked trait. इसका मतलब समझ लीजिए बच्चों, किसी भी फीमेल को कलर ब्लाइंडनेस, मैंने कल समझाया है, किसी भी फीमेल को कलर ब्लाइंड रहना है, मतलब किसी भी फीमेल, कोई भी फीमेल जब कलर ब्लाइंड रहेगी ना गाइस, तो उसमें ऑब्वियसली दो एक्स क्रोमोसोम रहेंगे, तो दोनों पे रेसेसिव जीन्स का मतलब यहाँ पे C is the gene for, small c is the gene for color blindness. So small c मतलब recessive gene का होना जरूरी है, क्योंकि एक भी dominant रहता है तो वो carrier हो जाते हैं। Carrier होती है मतलब उसके अंदर genes तो होते हैं, वो next progeny में उसे transfer करेगी, but बच्चों उससे कोई disorder नहीं होगी। Carrier का मतलब वो होता है, carrier का मतलब जो gene को carry करता है बट उसको सिम्टम नहीं दिखता है, बट हाँ वो नेक्स्ट जनरेशन में उस जीन्स को कैरी कर सकता है। तो ये समझ लीजिए इस सेंटेंस का मीनिंग होता है बच्चों, किसी भी फीमेल को कलर ब्लाइंड या कोई भी एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट, जैसे कि आप एक कलर ब्लाइंडनेस है, मायोपिया हो सकता है, कोई भी है, तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए उसके बॉडी में दोनों के दोनों रेसेसिव जीन्स होना जरूरी है ऑन बोथ द एक्स क्रोमोसोम। If one chromosome carries a recessive gene, जैसे कि carrier में one chromosome carries यहाँ पे small c मतलब recessive gene for a sex-linked trait defect, यहाँ पे sex-linked trait defect कौन सा है? तो color blindness, आपको से दिख नहीं रहा है उन लोगों को, ठीक है? Its effect is suppressed by dominant genes present on the other X chromosome. Just take example guys. यहाँ पे कैरियर हमेशा फीमेल रहेगी, क्योंकि कैरियर फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम रहता है, ठीक है? सपोज इन दोनों में से एक क्रोमोसोम पे डोमिनेंट जीन, दूसरे क्रोमोसोम पे रेसेसिव जीन्स है, तो क्या होगा? सो डोमिनेंट जीन्स अपने गुड इफेक्ट्स दिखाएगा और वो ओवरकम कर देगा रेसेसिव जीन के इफेक्ट को। जैसे यहाँ पे रेसेसिव जीन का इफेक्ट क्या है कि उस पर्सन को डिस्क्रिमिनेट कर नहीं पाएगा वो रेड एंड ग्रीन कलर में। So when the person could not discriminate between the red and the green color, guys, we call it as color blindness. और female के लिए ये color blind होने के लिए दोनों recessive gene की जरूरत है, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है guys, क्योंकि logical questions आए तो आप लोगों को बोलते आना चाहिए। आगे, the female with one recessive gene are called as carrier. और ऐसी female को हम कहते हैं carrier, मतलब वो next generation में उसके बॉडी में जीन्स है, नेक्स्ट जनरेशन में वो जीन्स को कैरी कर सकती है। द कैरियर फीमेल इज फिजिकली नॉर्मल, कैरियर फीमेल फिजिकली कैसी रहती है? नॉर्मल, उसमें कोई इफेक्ट नहीं दिखता है, एज शी डज नॉट सफर फ्रॉम द डिसीज, उसको कोई डिसऑर्डर नहीं होता, इसलिए कि फीमेल में डबल डोज ऑफ एक्स क्रोमोसोम है,
फीमेल में डबल डोज ऑफ एक्स क्रोमोसोम है, एक रिसेसिव रहेगा, दूसरा डोमिनेंट रहेगा, तो डोमिनेंट वाला रिसेसिव को ओवरकम कर लेगा। बहुत सी बार लॉजिकल क्वेश्चन आता है, व्हाई इन फीमेल वन डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव जीन इज देयर ऑन एक्स क्रोमोसोम बट स्टिल शी इज नॉट सफरर ऑफ द डिसीज, व्हाइल इन केस ऑफ द मेल when the recessive gene, single recessive gene is there, in that case, जैसे कि XCXC है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे, so male में suppose XCY है, single recessive gene है, फिर भी वो sufferer होता है, ऐसा क्यों? है ना, ऐसा आपको theoretical question पूछ सकते हैं, तो उसमें आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है कि in case of female, there is a double dose of X chromosome, one, so यहाँ पे the dominant जीन ऑन वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम ओवरकम और मास्क द बैड इफेक्ट ऑफ दिस रेसेसिव जीन, व्हाइल इन केस ऑफ द मेल देयर इज अ सिंगल एक्स क्रोमोसोम, सो दैट्स व्हाई दैट स्मॉल सी एक्सप्रेसेस इटसेल्फ, ऐसे उसको लिखना है। इज इट क्लियर बच्चों? रेज योर थंब गाइस, यहां तक के समझा? ओके ओके गाइस, डबल डोज होता है मतलब फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। आगे चलते हैं, मेल हैज ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, इसलिए उसको एक भी रेसेसिव जीन आता है कलर ब्लाइंडनेस का, तो उसको डिसऑर्डर हो जाएगा। ऐसे ही दूसरी डिसऑर्डर होती है बच्चों, हीमोफीलिया, सेम टू सेम, इफ एक्स क्रोमोसोम कैरीज एक्स लिंक रेसेसिव जीन फॉर अ सेक्स लिंक ट्रेट देन इट इज एक्सप्रेस phenotypically because there is no dominant gene on the Y chromosome. ये उसका answer है बच्चों। ऐसा question है कि भाई क्यों एक ही recessive gene होता है X chromosome में, फिर भी उस female को disease, फिर भी उस male को disease होता है, तो इसका answer है कि female में Y chromosome जो है उसपे color blind वाला gene ही नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। Therefore sex link or X link trait appears more frequently in males. तो है तो उल्टा बच्चों, ये है ना X link trait होते हैं, मतलब X link पे जैसे यहाँ पे body character ही तो है, color blindness है तो body character है, या myopia तो ये तो body character है बच्चों, इसके gene होते तो X chromosome पे है पर वो recessive condition में रहेंगे, affect कौन होगा? Female होगी क्या? नहीं, अफेक्ट कौन होगा? मेल, क्योंकि मेल के पास में सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, फीमेल के पास में डबल डोज होता है। क्लियर? ये इसका मतलब है। इस पूरे कलर ब्लाइंडनेस में ना आप लोगों को बच्चों लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं देन इन द फीमेल। ठीक है, एग्जांपल ऑफ एक्स लिंक ट्रेट, कौन से वो एक्स लिंक ट्रेट है बच्चों? पहला हीमोफीलिया, दूसरा बिल्कुल नाम मेरे साथ लर्न करो, मैं पूछने वाली हूँ अभी। पहला हीमोफीलिया, दूसरा कलर ब्लाइंडनेस, तीसरा नाइट ब्लाइंडनेस, चौथा मायोपिया, पांचवा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नाइट ब्लाइंडनेस रात को नहीं दिखता है, मायोपिया दूर का नहीं दिखता है, उसके बाद में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल्स एकदम से वीक हो जाती है और जैसे जैसे उस पर्सन का आयु बढ़ता है, उसका एज बढ़ता है, उसकी मसल डिजेनरेट हो जाती है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे ना बच्चों आपकी सिर्फ स्केलेटल मसल्स ही, सिर्फ स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स नहीं, स्केलेटल मसल्स ही डिजेनरेट होते हैं, मतलब तुम पैरालाइज्ड हो जाते हो एब्सोल्युटली। पर हाँ, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि वहां पे स्केलेटल मसल थोड़ी ना होती है, वहां पे तो आपकी स्मूथ मसल्स होती है, तो ये स्केलेटल मसल्स है और स्मूथ मसल्स जो है बच्चों यहाँ पे सिर्फ स्केलेटल मसल्स जो है वो अफेक्ट होते हैं। सो आई होप आप लोगों को यहाँ पे समझा है। नाउ बात करेंगे वाइलिंग जीन्स। वाइलिंग जीन्स ऐसे जीन्स जो वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलॉगस रीजन पे प्रेजेंट होती है, जैसे कि जीन्स लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज वाइलिंग जीन्स। फिर से, genes located on non-homologous region of Y chromosome are called Y-linked genes. ठीक है,
The Y-linked genes are inherited directly from male to male. और हाँ बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ मैं बताऊंगी आपको, ठीक है? पर हाँ वाइलिंग जीन्स में क्या होता है ना बच्चों, यहाँ पे मेल टू मेल डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, मतलब इस जनरेशन में किसी को टफ्ट हेयर आते हैं ईयर पिनास पे, वो एक कैरेक्टर है बच्चों जो मेल में एक्सप्रेस होता है. सो किसी मेल में ये कैरेक्टर शो हो रहा है और तो सेम कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में भी बॉयज में ट्रांसफर हो गए. सो यहाँ पे जो जीन्स होते हैं उसका जो ट्रांसफर होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट ट्रांसफर. कैसा ट्रांसफर गाइस? स्ट्रेट मतलब डायरेक्ट ट्रांसफर होता है, स्ट्रेट ट्रांसफर, ठीक है? इन मैन द वाइलिंग जीन्स, कौन से वाइलिंग जीन्स होते हैं? हाइपरट्रिकोसिस मतलब टफ्ट एयर उगना ईयर पे नाश पे is responsible for recessive development of hair on a pinna. Recessive genes रहेंगे तो tuft hair रहेंगे ear pinnas. This character is transmitted directly from the father to son. इसलिए इस transfer को कहते हैं direct transfer. अच्छा, collect the information for Ishihara test. चलो books निकालो तुम लोगों की, I mean your notes, और मुझे बताओ इशिहारा टेस्ट क्या होती है, because आपके बुक में दिखी है, आपको गूगल करने की जरूरत भी नहीं है, और करोगी तो भी मुझे अभी बताओ. Come on, let's discuss the इशिहारा टेस्ट क्या होता है. I'm waiting for you. Are you guys searching for it, इशिहारा टेस्ट? Come on, tell me. बुक में दिया है. हम लोगों ने बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ा है ना, याद है तुमको? रॉड सेल, कॉर्न सेल. तो बच्चों पता है कलर ब्लाइंडनेस जेनेटिक डिसऑर्डर तो है ही बच्चों, बट कलर ब्लाइंडनेस जो होता है ना बच्चों, कलर ब्लाइंडनेस कभी कभी क्या होता है, किसी पर्सन को बाय एक्सीडेंट, बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ तो बच्चों उसको कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है. ये जेनेटिक डिसऑर्डर है मानते हैं, बट किसी पर्सन का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है तो उस पर्सन में भी बच्चों कलर ब्लाइंडनेस होता है. और आप लोगों को पता है हमारी कॉर्न सेल्स अलग अलग रीजन्स के लिए होती है, लाइक रेड कलर के लिए, ग्रीन कलर के लिए, है ना? अच्छा, आपको क्यूआर कोड्स स्कैन करने के लिए बोला है, ठीक है बच्चों? ये होमवर्क है, इसके बारे में पढ़ना जरूर. ये है बच्चों डॉक्टर सोनू इशिहारा. इन्होंने पहली बार 1917 में, मतलब ऑलमोस्ट 100 इयर्स एगो, तो इन्होंने कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जो है इसको डिस्कवर किया था, ठीक है? यस मंजरी, इट कंसिस्ट ऑफ, यस, द सेट्स ऑफ डॉटेड डॉट्स, कलर डॉट्स विद अ नंबर प्लेट. सो टोटल 38 इशिहारा प्लेट्स होती है जिसमें 12, 8, 6, 29, 27, 58, 53, 53, 5, 3, 15, 74 ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं और वो हमें पढ़ना होता है बच्चों. तो ऐसे टोटल 38 प्लेट्स उस पर्सन को विजुअलाइज करनी पड़ती है, ठीक है? दैट इज द केस. चलो आप आराम से पढ़ लेना इसके बारे में, दैट इज जीके क्वेश्चन गाइस. देखो ऐसी प्लेट्स होती है, मैं तो शो यू, आप आराम से पढ़ लेना. ये ऐसी प्लेट्स होती है बच्चों, 38 इशिहारा प्लेट्स, जिसको उस पर्सन को देख के, है ना? अच्छा, नाउ कलर ब्लाइंडनेस में समझा सकती हूँ. जो कलर ब्लाइंड पर्सन होता है उसके जीन्स एक्स लिंक रेसेसिव जीन्स रहते हैं और इसके बारे में हमने कल देख लिया. जैसे मैंने कल आपको यहाँ तक के पूरा हमने पढ़ लिया,
तो वी नो अबाउट दिस थिंग. सो बच्चों जैसे सेम थिंग हमने यहाँ पे जब ये क्वेश्चंस करोगे, ट्रिक बता रही हूँ, जब भी ये क्वेश्चंस आप लर्न करोगे मैं ट्रिक बता रही हूँ. ट्रिक ये है कि इस क्वेश्चन के लिए हम आराम से लिख सकते हैं बच्चों, पूरा का पूरा लिख सकते हैं भाई कलर ब्लाइंड मेल है, ऐसा है वैसा है, इसका ये कैरेक्टर्स है. ठीक है, अभी सिर्फ ध्यान में रखना है व्हाट विल हैपन. दो एग्जांपल्स आपको सेट करनी है. व्हाट विल हैपन व्हेन द कलर ब्लाइंड मेल मैरिज विद अ नॉर्मल फिगर, ये पहला एग्जांपल ध्यान में रखना है. और दूसरा एग्जांपल व्हाट विल हैपन व्हेन कैरियर डॉटर मैरिज विद अ नॉर्मल मेल, ये दो एग्जांपल्स ध्यान में रखने हैं. बाकी ये दो चीजें आप ध्यान में रखोगे तो आप इसका एक्सप्लेनेशन मन से ही लिख सकते हो. क्वेश्चन आता है तो मन से, तो ये बुक से अच्छे से कर लो. और ये दो चीजें ध्यान में रखनी है, पहला क्रॉस जो करना है आप लोगों को वो कलर ब्लाइंड मेल एंड नॉर्मल फीमेल, दूसरा क्रॉस जो करना है वो कैरियर डॉटर एंड नॉर्मल फीमेल. एक बार आपको कलर ब्लाइंडनेस समझ में आ जाता है बच्चों, आप आराम से लिख पाते हो, तो फिर हम एक्स लिंक डिसऑर्डर का दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं. अभी उससे पहले मैं बता रही हूँ आप लोगों को, अभी यहाँ पे देखो बच्चों बिल्कुल ध्यान में रखना, ये डॉटर कैसी है. चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं. जीन ये कलर ब्लाइंड मेल था, सपोज मान के चल रहे ये कलर ब्लाइंड मेल था, ये कौन है नॉर्मल फीमेल की. ठीक है, अभी इस कलर ब्लाइंड मेल में अभी एक्स क्रोमोसोम, ये जो दिख रहा है बच्चों ये एक्स क्रोमोसोम पे यहाँ पे आप देख रहे हो, समझ लीजिए पहले. हाँ, तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम पे स्मॉल सी है, तो ये मेल है बच्चों. मेल में एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आता है, ऑब्वियसली फीमेल से आया है, मतलब मदर से आया है. सो सपोज इस मेल में ये किसी फीमेल से ही आया होगा एक्स क्रोमोसोम. इस एक्स क्रोमोसोम पे फिलहाल स्मॉल सी है, मतलब रेसेसिव जीन है कलर ब्लाइंड वाला. अभी देखो इसकी मैरिज हो रही है नॉर्मल फीमेल से, अब ये सी कहाँ जा रहा है. देखो ये मेल से, देखो ये मेल, ये कोई फादर है, फादर से देखना बच्चों ये सन में जा रहा है क्या. ये देखो नॉर्मल सन है, किसी भी सन में ये स्मॉल सी नहीं जा रहा है. ये कहाँ ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, डॉटर्स में. डॉटर 50% डॉटर कैरियर है. ठीक है, तो यहाँ पे ये मेल टू फीमेल आता है. दूसरी बात, अभी ये जीन कलर ब्लाइंड था, मेल कैसा था कलर ब्लाइंड, मतलब हम बोल सकते हैं कलर ब्लाइंड. हाँ टेंशन ही हो. यस, सो गाइस यहाँ पे क्या ध्यान, देखो ये मेल, मेल टू का आ रहा है फीमेल, और ये देखो सोच चल रहा है यही कैरियर डॉटर है, यही कैरियर है, मतलब हेल्दी है बट उसके अंदर जीन्स है. यही कैरियर डॉटर की बच्चों मैरिज होती है किसी नॉर्मल मेल में. ठीक है, तो अभी देखो अभी ये फीमेल से, अभी ये फीमेल से कहा आ रहा है, फीमेल से फीमेल में आ रहा है क्या देखेंगे, नहीं फीमेल से तो ये मदर से डॉटर में नहीं आ रहा है, फीमेल तो नॉर्मल है या कैरियर है. बट कलर ब्लाइंड कौन हो रहा है इसमें, अफेक्टेड चाइल्ड कौन है, तो वो सन है, कलर ब्लाइंड मेल होता है यहाँ पे. सो हम देखेंगे आप इस पूरे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के गौर करेंगे तो आपको ध्यान में आएगा बच्चों ये एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट जो होता है कौन सा, ध्यान दीजिए. एक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट जो होता है ना बच्चों, ये देखो इसका हमेशा पैटर्न कैसा रहता है, ये हमेशा मेल टू फीमेल, इसमें हमेशा ज्यादातर अफेक्टेड मेल रहते हैं क्योंकि उनके पास में एक ही क्रोमोसोम है. ये देखो अफेक्टेड मेल टू फीमेल, मतलब ये कैरियर डॉटर, और फीमेल अफेक्टेड है क्या इधर, नहीं फीमेल अफेक्टेड नहीं है, फीमेल कैरियर है.
टू फिर से मेल, मतलब ये मेल, मतलब सोचेंगे बच्चों ये देखो ये ग्रैंडफादर है, ग्रैंडपा बोल सकते हैं, है ना, नाना बोल सकते हैं. सो ये ग्रैंडफादर से, ग्रैंडपा से, है ना, ग्रैंड पेरेंट्स बोल सकते, ग्रैंडपा से ये ट्रांसफर हो रहा है सन में. ये देखो वाया मदर, वाया मदर. सो बच्चों ये सपोज ये ए फीमेल है, इस ए फीमेल के ये फादर है, फादर से ए फीमेल में आया, ए फीमेल की मैरिज हुई और ये फीमेल ने ये जीन्स किसे दे दिए, अपने सन को, डॉटर्स को देगी क्या, नहीं. तो बच्चों यहाँ पे हमेशा अफेक्टेड मेल टू फीमेल कैरियर, फ्रॉम फीमेल कैरियर टू अगेन अफेक्टेड मेल, मतलब ये हमेशा ग्रैंड फादर से ग्रैंड सन में डिजीज ट्रांसफर होता है. फिर से बता रहे, किसी फैमिली में कलर ब्लाइंडनेस का फिनोमिनन है तो वो ग्रैंड फादर से ग्रैंड सन में ट्रांसफर होगा. समझ में आया हेरिडिटरी कैसे रहेगी? तो ये जो इनहेरिटेंस का पैटर्न होता है गाइस, इसे हम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं. Okay guys, are you clear this crisscross inheritance? सबको समझ में आया? Are you understand guys? Please tell me. Crisscross inheritance समझ में आया बच्चों? सभी बच्चों को समझ में आया क्या? है ना? तो बच्चों ये जैसे हमने डिसीज पढ़ लिया, ठीक है, ये डिसीज हमने पढ़ लिया, अभी दूसरा डिसीज हम पढ़ने वाले हैं, हीमोफीलिया. कौन सा? हीमोफीलिया. अभी देखो बात करेंगे बच्चों हम हीमोफीलिया की. हीमोफीलिया को ब्लीडर डिसीज कहते हैं. कौन सा डिसीज कहते हैं? ब्लीडर. और बच्चों हमारा, हमें जब भी इंजुरी होती है कुछ समय के बाद में हमारा ब्लड कोएगुलेट हो जाता है. ब्लड का कोएगुलेशन होना मतलब ब्लड का क्लॉट बन जाता है. इस पूरे चीज के लिए हमारे बॉडी में 13 फैक्टर्स होते हैं, उसमें से फैक्टर नंबर 8 एंड फैक्टर नंबर 9 किसी के बॉडी में ये नहीं रहते. ये फैक्टर 8 और फैक्टर 9 बनाने वाले जीन्स म्यूटेड हो जाते हैं और किसी के बॉडी में फैक्टर 8 फैक्टर 9 बनते ही नहीं है. 13 फैक्टर चाहिए, 13 में से 8 और 9 नंबर का फैक्टर नहीं रहेगा तो ब्लड का कोएगुलेशन ही नहीं रहेगा. वॉइस इज नॉट क्लियर? आई विल चेक माय कनेक्शन. ओके, शिफ्ट कर रही हूँ कनेक्शन. ओके, सो हीमोफीलिया को ब्लीडर डिसीज करते हैं और फैक्टर 8 और फैक्टर 9 नहीं रहेगा तो ये कोएगुलेशन नहीं होगा. ठीक है, हीमोफीलिया इज एक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट. इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, इसकी गठानी नहीं बनती, ठीक है, और वेरी स्लोली क्लॉट होता है. तो ऐसे पर्सन में इंजुरी होगी तो कितना ब्लड लॉस होगा, सडन डेथ होती है बच्चों इन लोगों में. ठीक है, इसको पहली बार क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में देखा गया और इस क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में, क्वीन विक्टोरिया में देखा गया. फिर क्वीन विक्टोरिया की जो ये सेम क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस वाला है, कलर ब्लाइंडनेस की तरह है, सिर्फ सी की जगह एच आएगा, एच फॉर हीमोफीलिया जीन, सेम रेसेसिव, सेम पैटर्न रहेगा. स्मॉल एच रहेगा तो डिसीज होगा, कैपिटल एच रहेगा तो डिसीज नहीं होगा. सिर्फ क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में सबसे पहले देखा गया और क्या हुआ ना बच्चों, क्वीन विक्टोरिया की जो डॉटर्स थी फिर उनकी अलग अलग प्लेसेस में मैरिज हो गई बच्चों, है ना, वो तो कैरियर थी तो फिर उन कैरियर ने ये स्प्रेड किया, फिर उनके सन को हो गया और पहली बार डिटेक्ट हुआ कि ये क्वीन फैमिलीज का एक जो सन था
वो क्या कार एक्सीडेंट में उसकी सडन डेथ हुई, तो फिर उसकी जो जांच हुई बिकॉज दैट वाज अ वेरी क्वीन फैमिली थी गाइस, सो फिर उस फैमिली में पहली बार हीमोफीलिया को देखा गया। सो इसलिए इस डिसीज का दूसरा नाम, इसे हम रॉयल डिसीज भी कहते हैं बिकॉज पहली बार रॉयल फैमिलीज में इसको देखा गया। अभी आप बोलेंगे कैसे हुआ होगा मैडम, ये क्या होता है, मतलब ऐसे रेसेसिव जीन्स कहाँ आ जाते हैं? बहुत से बार ये म्यूटेशन से भी होता है। रेसेसिव जीन वैसे भी हमारे बॉडी में रहते हैं, नॉर्मल फीमेल में उसका म्यूटेशन भी होता है एंड इट इज वन ऑफ द रीजन। ठीक है बच्चों, सो गाइस ओके, ये हो गया। चलो पढ़ लेते हैं आगे। हीमोफीलिया इज एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर इन विच ब्लड फेल्स टू क्लॉट और कोएगुलेट वेरी स्लोली। द जीन्स फॉर नॉर्मल क्लॉटिंग आर डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव। क्लॉटिंग के लिए फॉर हीमोफीलिया द पर्सन हैविंग अ रिसेसिव जीन, जिसके बॉडी में रिसेसिव जीन रहते हैं वो फैक्टर एट फैक्टर नाइन बनाते ही नहीं है। देखो फैक्टर एट और फैक्टर नाइन उनके बॉडी में बनती ही नहीं है, डेफिशिएंसी रहती है। छोटी सी भी इंजुरी रहेगी ना पूरा ब्लड फ्लो होगा। सोचो ना बच्चों, 2 से 8 मिनट लगते हैं ब्लड को कोएगुलेट होते, और 2 से 8 मिनट ही लगते हैं जान जाने के लिए बच्चों। तो बच्चों ब्लड फ्लो है ना, बहुत से लोग पिक्चरों में देखते हैं ना, नस वस काट लेते हैं, है ना? आप में से किसी ने किया है क्या? है ना, दिल टूट गया, हार्ट ब्रोकन हुआ, एंड ब्ला 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 थिंग, रिस्ट रिस्ट यहाँ की जो हमारी ब्लड वेसल है उसको काट लेते हैं, बहुत जल्दी मर जाते हैं ना। क्यों? बिकॉज वंस योर वेसल्स गॉट कटेड, ब्लड फ्लो बहुत फास्ट होता है गाइस। तो सोचो ना, इन लोगों में तो हीमोफीलिया रहता है, इनमें तो क्लॉटिंग ही नहीं होता है, सो सडन डेथ होती है इन लोगों की, है ना। इवन माइनर इंजुरीज कॉजेस कंटिन्यूअस ब्लीडिंग, हेंस हीमोफीलिया इसको ब्लीडर कहते हैं। ठीक है, अभी देखो जिसके बॉडी में इसके रेसेसिव जीन्स रहते हैं उनके बॉडी में फैक्टर एट और फैक्टर नाइन नहीं बनता। और फैक्टर एट और फैक्टर नाइन क्यों चाहिए? इट इज रिक्वायर फॉर क्लॉटिंग ऑफ अ ब्लड, और इसके करस्पॉन्डिंग एलील्स वाई क्रोमोसोम पे रहते नहीं है। तो मेल में तो एक ही स्मॉल रेसेसिव जीन रहेगा तो उस पर्सन को हीमोफीलिया होगा। जैसे कलर ब्लाइंडनेस में कैरियर फीमेल थी, वैसे हीमोफीलिया में भी कैरियर फीमेल रहती है। ठीक है, एज देयर इज नो करेस्पॉन्डिंग एलील ऑन अ वाई क्रोमोसोम टू सप्रेस इट्स एक्सप्रेशन। डोमिनेंट जीन क्या करते हैं, जैसे कि ये कैरियर, यहाँ पे कैपिटल एच फॉर डोमिनेंट हिम, जिसमें हीमोफीलिया नहीं होता है, स्मॉल एच रिसेसिव जीन, फैक्टर एट और फैक्टर नाइन नहीं बनेगा और उस पर्सन को हीमोफीलिया होगा। ठीक है, द रेसेसिव जीन्स फॉर हीमोफीलिया इज लोकेटेड ऑन हमेशा नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एज देयर इज नो करेस्पॉन्डिंग एलील्स ऑन द वाई क्रोमोसोम टू सप्रेस इट्स एक्सप्रेशन। हमेशा मेल ही सफर होते हैं, जैसे कलर कलर ब्लाइंडनेस में भी ज्यादा सफर मेल यहाँ पे भी। तो हम इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप, जीनोटाइप लिखना मतलब जीन्स लिखना, फिनोटाइप लिखना मतलब उसका एक्सप्रेशन। जैसे कि मेल में XH हुआ है, ये उसका जीनोटाइप है, ऐसा मेल कैसा रहेगा? नॉर्मल। हीमोफिलिक है, एक्स स्मॉल एच वाई रहेगा तो उसको हीमोफिलिया होगा। फीमेल, फीमेल कैसी है? XH कैपिटल तो नॉर्मल फीमेल, एक्स स्मॉल एच रहेगी तो हीमोफिलिक रहेगी, उसको डिसीज होगा, या XH रहेगा तो कैरियर रहेगी, मतलब उसको कोई सिम्टम नहीं दिखेगे, बट हाँ ये स्मॉल एच वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर कर सकती है। आर यू क्लियर गाइस? नाउ लाइक कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया ऑल्सो शो, मैंने जैसे बताया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, लाइक फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पा से ग्रैंड सन में ट्रांसफर होगा, या ग्रैंड पेरेंट से ग्रैंड सन में उसको ट्रांसफर होगा। ठीक है, अभी सेम थिंग, दो चीजें याद रखना है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे दो मैरिजेस को ध्यान में रखना है, कलर ब्लाइंड मेल नॉर्मल फीमेल, कैरियर डॉटर नॉर्मल, ये वाला तो सेम ही रहेगा, कैरियर डॉटर नॉर्मल मेल फॉर हीमोफीलिया, और यहाँ पे कलर ब्लाइंड की जगह पे आएगा हीमोफिलिक मेल। ये देखो हीमोफिलिक मेल मैरिज विथ नॉर्मल फीमेल। प्रोजेक्ट
ओके गाइस, सो नाउ ध्यान देना है बच्चों हम लोगों को कि सेम थिंग रिपीट होगी, 50% कैरियर डॉक्टर, 50% नॉर्मल सन, और यही कैरियर डॉक्टर की नॉर्मल मेल के साथ में मैरिज होगी तो पूरे चांसेस है 25% नॉर्मल फीमेल, 25% नॉर्मल मेल, 25% कैरियर फीमेल एंड 25% कलर ब्लाइंड. क्लियर? ये देखो यहाँ पे लिखा है हीमोफीलिया इज रेफर्ड एज द रॉयल डिजीज बिकॉज इट अफेक्ट द रॉयल फैमिलीज ऑफ इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया, स्पेन. अब पहले तो इंग्लैंड में ही देखा गया बच्चों, फिर इसकी डॉटर्स मतलब कैरियर डॉटर थी उनकी मैरिजेस हो गई जर्मनी, रशिया, स्पेन, तो ये स्प्रेड हो गया. तो क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड हु रूल्ड फ्रॉम 1837 टू 1901 वाज बिलीव टू हैव द कैरियर, वो कैरियर थी हीमोफीलिया की. शी पासेस दिस ट्रेड टू 39 चिल्ड्रन, तो ये पूरे उसके 9 चिल्ड्रन में पास आ. ठीक है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, आर्या शोज नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग बट हर मदर इज हीमोफिलिक, रमेश शोज नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग बट हिज फादर इज हीमोफिलिक. इफ रमेश एंड आर्या वेयर टू मैरी देन फाइंड आउट द पॉसिबल फिनोटाइप ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग. ये हम करेंगे बच्चों अभी थोड़ी देर के बाद में, पर उससे पहले बच्चों आजकल बताया ना बच्चों यही एक इशू है, आजकल यही एक इशू है बच्चों, पहले ये वाला इशू नहीं था, अभी यही इशू है. और इसी इशू के कारण लोग कुंडलियां नहीं देखते हैं, है ना, ब्लड रिपोर्ट्स चेक करते हैं कि आगे भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आनी चाहिए. सो गाइस ये वाला करके देखो बच्चों, हीमोफीलिया का पहला वाला ये लिख के देखो, मन से बना देखो, पहले ये बनाओ फिर ये वाला बनाओ, वीडियोस ऑन करो और उसके बाद में जस्ट मिंग दिस, दो मिनट के बाद में बंद होने वाला है, रिस्टार्ट करना है तुम्हारे. वीडियोस ऑन करो बच्चों और फिर से बनाओ. चलो डू इट गाइस. ये ऐसे फटाफट अपने मन से बनाते आना चाहिए, दैट वुड बी गुड.